थ्री बेडरूम का हाउस डिज़ाइन लेके जाओ, 30 फीट बाई 32 फीट का अंदर 3 बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए इसका रूम का साइज क्रिएट कर लेते हैं। 13 फीट बाई 14 फीट का अंदर ये है बेडरूम का, पहले रूम का साइज़ है, देख सकते हो कुछ इस तरह का है। नेक्स्ट बेडरूम का साइज़ है 9 फीट बाई 16 फीट, देख सकते हो। 3 नंबर बेडरूम का साइज़ है 13 बाई 13 फीट का अंदर ये, और 8 फीट बाई 8 फीट का अंदर, 8 फीट बाई 8 फीट का अंदर मिल जाएगा एक बाथरूम देखने के लिए। और इसका साथ एक किचन देखने के लिए मिल जाएगा 7 फीट बाई 9 फीट का अंदर है, 7 फीट बाई 9 फीट का अंदर एक किचन देखने के लिए मिल जाएगा आप लोग को। चलिए इसका 3D व्यू में डोर ऐड कर लेते हैं। डोर का साइज है 10 फीट 6 फीट 6 इंच बाई 3 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। हर एक बेडरूम में एक एक डोर ऐड कर लेते हैं, उसके बाद विंडो ऐड करके आप लोग को दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट डोर ऐड कर लेते हैं। इसके बाद एक बाथरूम का डोर देखने के लिए मिल जाएगा, वो डोर थोड़ा छोटा होगा, 6 फीट बाई 2 फीट 6 इंच का साइज इसका साइज रहेगा। बाथरूम का डोर थोड़ा छोटा दिया है, का हिसाब से और बढ़ा दे सकते हो। इसका 2D प्लान में 3D प्लान में कुछ इस तरह का व्यू आने वाला है। डोर विंडो ऐड होने के बाद, और भी इसमें विंडो ऐड कर लेते हैं। ऐड होने के बाद आप लोग को फर्नीचर ऐड करने का, फर्नीचर ऐड करके आप लोग को दिखाएंगे। विंडो ऐड होने के बाद फर्नीचर ऐड करके आप लोग को दिखाएंगे कैसा व्यू आने वाला है इसका 3D व्यू। टिन सेट भी लगा सकते हो आपके हिसाब से। चलिए इसका विंडो का साइज देख लेते हैं। विंडो का साइज है 4 फीट बाई 3 फीट देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए इसका पूरा 3D व्यू में विंडो ऐड कर लेते हैं, उसके बाद फर्नीचर ऐड करने के बाद दिखाऊंगा आप लोग को कैसा व्यू आने वाला है। विंडो लगाने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आने वाला है, देख सकते हो आप, कुछ इस तरह का विंडो लग रहा है। विंडो का ऊपर एक वेंटिलेशन देखने के लिए मिल जाएगा छोटा सा। और आसाम ST हाउस प्लान में पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक करके रखना, ऐसा न्यू हाउस डिज़ाइन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और थोड़ा थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। चलिए बढ़ते आगे। उसका 3D व्यू फर्नीचर ऐड होने के बाद कैसा व्यू आने वाला है चलिए ये देख लेते हैं। फर्नीचर ऐड करके चलिए देख सकते हो, फर्नीचर ऐड होने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आने वाला है चारों तरफ का। और फ्लोर का कलर होने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आने वाला है, देख सकते हो। फर्नीचर हॉल रूम किचन बाथरूम और 3 बेडरूम देखने के लिए मिल जाएगा। और फुल वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर सो मच। मिलता हो किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय ऑल माई यूट्यूब फैमिली फ्रेंड्स।